हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर कुमार कटियार है और आज जो मैं लेक्चर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो था आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसमें हम लोग एयर वेसल का यूज़ करते हैं। और आपने एयर वेसल में पढ़ा था कि जब हम एयर वेसल का यूज़ करते हैं तो जो हमारा लॉस हो रहा होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना, तो उसकी उसके कारण जो वर्क डन एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको एयर वेसल रिड्यूस कर देता है। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो उसकी इक्वेशन है कि कितना परसेंट वो वर्क डन सेव करता है जब हम एयर वेसल को यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्टेंट करना होगा कि जो वर्क डन बाय द रेसिप्रोकेटिंग पंप विदाउट एयर वेसल एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन, एंड फिर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय द रेसिप्रोकेटिंग पंप अगेंस्ट फ्रिक्शन विद यूजिंग एयर वेसल्स। राइट, तो यहां पर हम लोग पहले हम लोग लास्ट टाइम हमने एयर वेसल में पढ़ा था कि जो हमारा फ्रिक्शनल जो होता है फ्रिक्शनल है उसको रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उसका इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, उसके हेड को ओवरकम करने के लिए हम लोग एयर वेसल का यूज कर रहे हैं। राइट, तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एयर वेसल। ऑलराइट, तो विदाउट एयर वेसल हमको निकालना है एच एफ की वैल्यू को। तो एच एफ की वैल्यू कौन सी होती है आप लोगों को पता है कि एच एफ इज वॉट, दैट इज द हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ऑलराइट, तो उस हेड लॉस जो हमारा आइडियल इंडिकेटर डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था, और आइडियल इंडिकेटर डायग्राम के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन में हमने पता है कि जो वेरिएशन होता है एच एफ विद द थीटा इज पैराबोलिक इन नेचर, और जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी एच एफ इज इक्वल टू 4F(2)/2GD और ब्रैकेट में कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ओमेगा आर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली है क्या, ये टर्म है आपका वेलोसिटी, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है 4FL(v²)/2GD और v हमारी, हम लोगों ने पहले ही v की वैल्यू को निकाला हुआ था। इस v की वैल्यू को हम लोग यहां पर डायरेक्टली इस जगह पुट कर देते हैं तो हमारे पास एच एफ की इक्वेशन आ जाती है। अब ये एच एफ जो है आपका दैट इज द हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब अगर हमें, अगर हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप चल रहा है तो ये हेड लॉस एडिशनल हो गया ना, तो इस एडिशनल हेड लॉस को ओवरकम करने के लिए हमारे पिस्टन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम एयर वेसल का यूज कर लेते हैं, राइट, तो यहां पर अब चूंकि हमारा एच एफ निकला है तो वर्क डन निकालना होगा कि वर्क डन बाय द पंप पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना किया गया। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें यहां पर कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन हमारा होगा एरिया ऑफ पैराबोला के बराबर। ठीक है, और एरिया ऑफ पैराबोला क्या होता है, दैट इज 2/3 × बेस × हाइट। ऑलराइट, तो 2/3 तो हमें पता है, बेस क्या होगा, बेस मतलब स्ट्रोक लेंथ। ऑलराइट, तो बेस मतलब स्ट्रोक लेंथ हो गया, एंड हाइट क्या हो गई, हाइट की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, हाइट की वैल्यू एच एफ के बराबर होगी। ठीक है, तो हाइट हमारी एच एफ के बराबर हो जाएगी और एच एफ की वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आती है दैट इज 2/3 L(4FL)/2GD ब्रैकेट में कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ओमेगा आर का होल स्क्वायर। यहां पर हमें पता है कि जो एच एफ होता है वो मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 90 पर। ठीक है, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 पर वैल्यू आपकी एच एफ की मैक्सिमम होती है और उस वैल्यू को ही हम लोग यहां पर पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 पर। ओके, अब हमें निकालना होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विद एयर वेसल। तो एयर वेसल जो हमारा होता है वो हमारा जो वर्क डन है पिस्टन को ओवरकम करने के लिए उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, खत्म नहीं कर पाता है। ठीक है, बट इसको मिनिमाइज कर देता है। राइट, तो मिनिमाइज हम लोग जैसे जानते हैं कि जो हमारी एयर वेसल जब यूज करते हैं तो पाइप में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, मीन वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर मीन वेलोसिटी हमें पता है, तो मीन वेलोसिटी को अगर निकालना है हमको तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि मीन वेलोसिटी होती है, हम कह सकते हैं मीन वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ पाइप। जैसे हम लोग डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या कहते हैं, A × b कहते हैं, वहां पर b आपकी मीन वेलोसिटी ही होती है। ठीक है, तो हम इस मीन वेलोसिटी को यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यू की वैल्यू हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए निकाला हुआ था, दैट इज ALN/60। तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी
ए एल एन अपॉन 60 इंटू ए, राइट। अब एल क्या है, हमारी स्ट्रोक लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू 2 आर के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो क्रैंक हमारी 180 डिग्री जब टर्न कर जाती है तो वो जो डिस्टेंस होती है दैट इज 2 आर के बराबर होती है, और उस ड्यूरेशन में हमारा जो पिस्टन होता है वो एक स्ट्रोक कवर कर लेता है, यानी इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक पहुंच सकता है, राइट। और जो हमारी एन की वैल्यू होती है, एन दैट इज हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn/60 होता है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 ω/2π, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास है, अगर मैं इन एल की वैल्यू और एन की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, तो यहां पर पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी इतने के बराबर आएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है, दैट इज 4FLv²/2GD होता है, यहाँ पर वी इज मीन वेलोसिटी जो हम एयर वेसल के साथ यूज कर रहे हैं, और बी की वैल्यू को हमने यहां से उठा के दोनों की वैल्यू को पुट किया एल और एन की, और वहां पर उठा के इस इक्वेशन को रख दिया, हमारे पास ये रिजल्ट इन इक्वेशन आए। ओके, नाउ वर्क डन बाय द पंप पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन हमको निकालना है। तो यहां पर क्योंकि जो यहां पर है एयर वेसल जो हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन थीटा, ये थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहां पर जो इंडिकेटर डायग्राम बनता है जो क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू तो कम हो गई है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई है तो अब उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें जो एयर वेसल क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, राइट। तो एयर वेसल वर्क डन रिड्यूस कर रहा है, अब चूंकि यहां पर थीटा है नहीं तो इक्वेशन पैराबोला की नहीं है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी एक रेक्टेंगल की। अब वो रेक्टेंगल जो होगा वो हमारा रेक्टेंगल पर जो उसकी हाइट होगी रेक्टेंगल की वो हेड लॉस ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ऑलराइट। तो जो हम समझ सकते हैं इस तरह की जो आइडियल इंडिकेटर डायग्राम होता है, अगर उसमें हम थोड़ी सी डिस्टेंस और बढ़ा दें जो कि हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो वो हम कह सकते हैं कि उतना लॉस हो रहा है, बट ये लॉस बेसिकली जो हमारा हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा था, है ना, जो हमारे पास वेसल यूज नहीं कर रहे थे उससे थोड़ा सा कम होगा, ऑलराइट। तो हम यहां पर देखेंगे तो जो वर्क डन बाय द पंप पर स्ट्रोक अगेंस्ट फ्रिक्शन तो W2 हो जाएगी, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा, ठीक है। बेस क्या होगा, यहां पर L होगा, और हाइट को ध्यान दीजिएगा, ये हाइट क्या है, हाइट वही हाइट है जो कि एडिशनल हाइट है, हम कह सकते हैं आइडियल इंडिकेटर डायग्राम से थोड़ा सा जो ज्यादा हाइट हमें ऑब्टेन होगी जिसके लिए हमें पेशेंट को वर्क करना पड़ रहा है वो उतनी तो नहीं होगी जितना पैराबोला का एरिया होता है, बट उससे काफी कम होगी, हम अभी देखेंगे कि कितने परसेंट रिड्यूस कर रहा वर्क को, लेकिन वो काफी कम हाइट होगी, और उस हाइट की वैल्यू को हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम बेस इंटू हाइट कर देंगे, उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। तो जब हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आगे ऑब्टेन हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू 1π² × L × 4FL/2GD ब्रैकेट में कैपिटल a/a ω r का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी वर्क डन गिवन बाई दैट इज वर्क डन गिवन बाई बाई द पिस्टन टू ओवरकम द फ्रिक्शन वेन वी आर यूजिंग एयर वेसल, ऑलराइट। अब हमें यहां पर यहां पर हमको निकालना है व्हाट शुड बी द वर्क शेप्ड शेप, कितना वर्क शेप किया गया है आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो अगर वो हम निकालना चाहते हैं तो उसके उसका लिए तरीका होगा कि हम वर्क डन पर स्ट्रोक, पहले हम W1 की वैल्यू रखते हैं, W1 वैल्यू क्या है जो हमने एयर वेसल का यूज नहीं किया है, एंड W2 क्या है जो हमने एयर वेसल का यूज किया है। तो हम कह सकते हैं वर्क शेप पर स्ट्रोक क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू W1 - W2। तो हमने W1 की वैल्यू उठा के वहां से रख दी, दैट इज दिस मच अमाउंट, एंड W2 की वैल्यू उठा के यहां पर ये रख दी हमने। अभी W1 W2 हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी पहले, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये एक वैल्यू आ रही है ना। एंड अब हमें निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क डन शेप पर स्ट्रोक हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज बाय द व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एयर वेसल W1 - W2, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग वर्क डन व्हेन वी आर यूजिंग एयर वेसल अपॉन W1, ऑलराइट, इनटू 100। इस वैल्यूज को हम फिर से उसी तरह रख देंगे, एंड इसके जो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही दैट इज 84.8%। समझ सकते हैं कि जब हमारा एयर वेसल नहीं यूज हो रहा था
तो हमारे पास हमको पिस्टन को 84.8% ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था, और जब हम पिस्टन को पिस्टन में एयर वेसल सॉरी जब हम एयर वेसल का यूज करने लगे हैं, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो एडिशनल दिया जा रहा था पिस्टन के द्वारा चाहिए होगा टू डिलीवर द वाटर, वो हमने रिड्यूस कर दिया। राइट, अब अगर हम इसी वैल्यू को इसी तरह के कैलकुलेशन को निकालना चाहें डबल एक्टिंग के लिए, तो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि डबल एक्टिंग के हमें पता है कि जो वर्क डन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल टू का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अगर वर्क डन डबल एक्टिंग के लिए निकालें व्हेन दैट इज व्हेन विदाउट एयर वेसल, राइट, पहला निकालेंगे हम लोग फिर से उसी तरह से विदाउट एयर वेसल। तो जो विदाउट एयर वेसल की इक्वेशन है यहां पर, जो पर स्ट्रोक के लिए W1 व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एयर वेसल दैट इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट, इसको हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, हम लोग इसको पहले भी निकाल चुके हैं क्योंकि ये पर स्ट्रोक के लिए निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पर स्ट्रोक फ्रिक्शन पर स्ट्रोक जो होगा वो वर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन पर स्ट्रोक, ये तो वैल्यू सेम ही होगी ना, कि अब एयर वेसल जब हम पाइप के पास फिट कर देते हैं तो हमको जो अगेन यहां पर हम उसी तरह फिर से निकालेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोग बी बार कहेंगे, दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ पाइप दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी उसकी वैल्यू को जो हमने पहले वैल्यू निकाली है उसमें सिंपल टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वैल्यू हमारे पास ऑप्टेन हो जाएंगी, और इसका प्रोसेस भी आपका सेम होगा, एल इज इक्वल टू 2R रखना होगा, एन इज इक्वल टू 60 ओमेगा अपॉन 2π रखना होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलती है इस केस में हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन उसकी वैल्यू को हमने यहां पर निकाल लिया है। राइट, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एच एफ होगा, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन फॉर डबल एक्टिंग, एच एफ की वैल्यू को हमने यहां पर इसी तरह से निकाल लिया 4FLV² अपॉन 2GD से वी स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया। अब वर्क लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन पर स्ट्रोक कितना हुआ वो हमको निकालना होगा, तो वर्क फिर से वही हम करेंगे, दैट इज W2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज लेंथ इन टू दैट हाइट, है ना, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आई लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन फॉर डबल एक्टिंग, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अब ये जो लेंथ है और इनटू जो हाइट है एच एफ जो लॉस हो रहा है, ये हालांकि उससे कम है आपका जो जब पैराबोलिक कर्व बनता है उससे उससे कम पड़ेगा, लेकिन हमें इतना एडिशनल वर्क पिस्टन के थ्रू यहाँ पर देना पड़ रहा है फॉर डबल एक्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू हमको ऑप्टेन हो रही है। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं यहां पर फिर निकाल रहे हैं, दैट इज सेव इन वर्क, कितना वर्क डन सेव किया गया परसेंटेज में, तो W1 - W2 / W1 जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था वैसे ही कर देना है, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है सिंपली और इसको सॉल्व कर देना, तो हमें क्या नजर आया, दैट इज 39.2% आपका वर्क डन सेव कर लिया गया। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं कि आप सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग जब आप यूज करते हैं तो उस केस में अगर एयर वेसल आप यूज कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपका सेव कर लिया जाता है। ऑलराइट, तो इस तरह आप इन वैल्यूज को समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग दिस एयर वेसल। थैंक यू वेरी मच, और ये डेरिवेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि कैसे आप वर्क डन को रिड्यूस कर सकते हैं और कितने अमाउंट में आप वर्क डन को रिड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।